अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कविल अयूब एंड यू आर वाचिंग फॉनवर्ड लाइव। और आज ट्विटर ट्रेंड्स में हम चलेंगे ट्विटर की दुनिया में और देखेंगे आज कौन से हैशटैग्स हैं जो ट्रेंडिंग में हैं, आज क्या ऐसी खास बात चल रही है सोशल मीडिया पे, स्पेशली ट्विटर पे क्या चल रहा है, लोग किस चीज़ के बारे में ज़्यादा ट्वीट कर रहे हैं, किस चीज़ को ज़्यादा रीट्वीट कर रहे हैं और भी क्या क्या चल रहा है। चले चल के देखते हैं कि आज कौन कौन से ट्वीट्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। वेल, जो हमारा पहला हैशटैग है वो है हैशटैग अ सीट एट द टेबल। देखने में तो ऐसा लगता है कि मुझे जो पहले देखने में एकदम फील हुआ वो ये था कि यार किसी होटल की बात हो रही है, किसी रेस्टोरेंट की बात हो रही है या फिर किसी ऐसे होटल की ओपनिंग हुई है जिधर लोगों को सीट नहीं मिल रही थी, रिजर्व कराने वाला सीन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्चुअली ये एक न्यू एल्बम है, एक सिंगर ने रिलीज़ की है, पीपल वेटिंग फॉर हर एल्बम। सिंगर का नाम है सोलांज नॉलेस और उन्होंने अपनी नई एल्बम रिलीज़ की है जिसमें 21 गाने हैं और ट्विटर भरा पड़ा है इस ट्वीट के साथ। सीट एट द टेबल उनकी एल्बम का नाम है। पीपल लाइक्ड हर ट्रैक्स और बहुत सारे लोग अपना फेवरेट ट्रैक भी लिख रहे हैं कि मेरा इस एल्बम का फेवरेट ट्रैक ये है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे पूरी की पूरी एल्बम पसंद आई है, इसलिए ये ट्रेंडिंग में है। तो अगर आपको भी सुनना है कि ऐसी क्या खास बात है इस एल्बम में कि ये ट्रेंडिंग में आ गई है, जस्ट गो एंड चेक आउट दिस एल्बम। वेल व्यूअर्स, हमारा जो नेक्स्ट हैशटैग है इट्स हैशटैग ब्रेकफास्ट सेलेब्स, और जिसका मतलब ये है कि ब्रेकफास्ट सेलिब्रिटीज। द स्टोरी बिहाइंड दिस हैशटैग इज कि लोग ऐसे सेलिब्रिटीज का नाम लिख रहे हैं जिनका जो नाम है वो ब्रेकफास्ट की किसी चीज़ के साथ मिलता जुलता है, जैसे कि ब्रैड पिट, ब्रैड पिट को ब्रेड लिख दिया है। तो इस तरह करके बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ थे जिनके नाम जो थे वो खाने की चीज़ों से मिलते थे, तो फिर लोगों ने इस टैग के साथ या इस हैशटैग के साथ ये यूज़ हो रहा है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के नाम लोग लिख रहे हैं। आपको मैं दिखा भी देती हूँ, आप देख भी रहोगे, बहुत से सेलिब्रिटीज़ के नाम आपके माइंड में भी आ रहे होंगे। हाँ, वो सेलिब्रिटी उसका भी नाम कुछ खाने पीने जैसा है। और तो स्टोरी तो आपको पता चल गई कि इस हैशटैग के पीछे स्टोरी क्या है, तो अगर आपको भी कोई ऐसा सेलिब्रिटी याद आता है जिसका जो नाम है वो खाने पीने की चीज़ों के साथ मिलता जुलता है, तो गो एंड ट्वीट अबाउट इट। वेल, द नेक्स्ट हैशटैग इज़ हाउ ट्विटर चेंज माई लाइफ, और काफ़ी कॉमन सा हैश। वेल, जो इस टाइप के हैशटैग्स होते हैं ये हर थोड़े अरसे बाद ट्रेंडिंग में ज़रूर आते हैं जिसमें लोग अपनी राय का इजहार करते हैं, लोग बताते हैं कि ट्विटर ने उनकी लाइफ को कैसे चेंज किया। वेल, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी लाइफ ट्विटर ने ऐसे चेंज किया कि अब मैं न्यूज़ बहुत कम देखती हूँ ऑन टीवी, या फिर मैं बाकी चीज़ें बहुत बाद में जाके देखती हूँ। इफ़ देर इज़ अ ब्रेकिंग न्यूज़ तो मैं खुद सबसे पहले जाके ट्विटर खोलती हूँ, आई गो टू द हैशटैग या फिर मैं उस टॉपिक को सर्च करती हूँ और उसके बारे में लोगों ने जो ट्वीट्स किए होते हैं मैं उनको पढ़ती हूँ। मेरे लिए थोड़ा सा कम्फर्ट ये इसलिए क्रिएट कर देता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सेंसेशन नहीं मिलती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर मिलते हैं। आपको हर दूसरे तीसरे बंदे का राय पता चल रही होती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू पता चल रहा है, तो आपको भी पता चलता है कि हाँ ये चीज़ भी सोची जा सकती थी। लाइक आपको वैरायटी ऑफ वो कहते हैं ना, सोचने के पर्सपेक्टिव्स आपको बहुत मिलते हैं। तो मेरे लिए तो ट्विटर इसलिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी लोगों ने इसमें बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं, और आपको भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करना चाहिए। एंड डू लेट अस नो कि ट्विटर ने आपकी लाइफ कैसे चेंज की है। वेल व्यूअर्स, हमारा जो नेक्स्ट हैशटैग है वो है हैशटैग वर्ल्ड्स नंबर वन गम, विच इज़ ट्राइडेंट। तो मैंने जब ये देखा था वर्ल्ड्स नंबर वन गम इसका क्या मतलब है, तब पता चला था कि ट्राइडेंट पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हुआ है, इस वजह से ये हैशटैग ट्रेंडिंग में आ गया था। एंड आई एम श्योर सब लोगों को ट्राइडेंट के बारे में पता भी हो, बहुत सारे लोग इसके बारे में ट्वीट कर रहे थे और लिख रहे थे कि ये वाला जो फ्लेवर है वो मेरा फेवरेट है एंड स्टफ लाइक दैट। मेरे लिए ये हैशटैग इंटरेस्टिंग इसलिए था कि अब आपने एक चीज़ नोट की है कि डिफरेंट कंपनीज ने ट्विटर को एज अ मार्केटिंग टूल भी स्टार्ट कर दिया यूज़ करना, लाइक ट्राइडेंट का लॉन्च था एंड इट वॉज ऑल ओवर ट्विटर। तो मार्केटर्स ने एक सोशल मीडिया को बहुत सीरियसली यूज़ करना शुरू कर दिया व्हेन इट कम्स टू देयर प्रोडक्ट लॉन्च या मार्केटिंग कैंपेन्स या प्रमोशनल कैंपेन। तो जस्ट मेक दैट थिंग अ हैशटैग और लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा। जैसे मुझे इससे पहले नहीं पता था कि ये ऑफिशियली लॉन्च पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन आफ्टर दिस हैशटैग आई नो दिस। वेल व्यूअर्स, द लास्ट हैशटैग इज हैशटैग जुमा मुबारक। जैसे कि आपको पता है कि हर दिन से रिलेटेड ट्विटर पे हैशटैग ज़रूर चलता है, जिस तरह इफ इट्स मंडे तो आता है मंडे मोटिवेशन, जब वो होता है वेंसडे तो वो वेंसडे विजडम हो जाता है। तो इसी तरह जुम्मे के दिन एक हैशटैग जो मस्ट है वो है जुमा मुबारक। तो बहुत सारे लोगों ने सबको जुमा मुबारक किया, मैं भी आपको कहती हूँ जुमा मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। और ये कि जुमा मुबारक का हैशटैग हमेशा ट्रेंडिंग में इसलिए आता है कि आप इसके साथ बहुत सारी दुआएं शेयर करते हैं, लोग बहुत सारे दुआ देते हैं, दे आर कोटेशंस, और फिर लोगों को एक अच्छा मुस्लिम बनने की राय भी देते हैं, लोग इसे वैसे भी रीट्वीट करते हैं बिकॉज इट्स जुमा। वेल व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको आज के ट्विटर ट्रेंड्स पसंद आए होंगे, एंड इंशाल्लाह अब हम लोग मिलेंगे मंडे को फॉर मोर ट्विटर ट्रेंड्स, और तब देखेंगे कि वीकेंड पे ऐसा क्या हुआ है जो हम शामिल करेंगे अपने मंडे के ट्वीट्स में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बट डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर।